अल्लाह का फरमान बढ़ाएंगे तो डेटा भी नहीं तो ऑपरेशन वेपोराइजेशन ऑपरेशन के भी फायदे दफरात इन विच लिक्विड इज चेंज इन टू वेपर और द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द लिक्विड इन टू आर कन्वर्टिंग द लिक्विड इन टू वेपर वेपोराइजेशन takes place at all temperatures. For example, we see ice. बर्फ हम देखते हैं कि वो इवन जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है लेकिन फिर भी इसके वेपर निकल रहे हैं. यानी ऑल लिक्विड इवन अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट से भी टेम्परेचर कम हो तब भी जो है वो लिक्विड वेपर में चेंज हो रही हो. तो ऑपरेशन क्यों होती है और हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई लिक्विड मिसाल के तौर पर पेट्रोल है वाटर है तो जब हम इसको रख देते हैं तो कुछ अर्से के बाद उसकी वॉल्यूम कम होती जाती है. तो इससे पता चल जाता है कि वो जो लिक्विड है जिस भी कंटेनर में है और उसका वॉल्यूम कम हो गया है और वो खत्म हो गई है जिसका मतलब ये है कि उसके वेपर बन गए हैं. अब ऑपरेशन और ऑपरेशन क्यों होती है तो जब भी हम लिक्विड तो देखते हैं तो इसकी जो है वो वेपर निकलती है. इसकी वजह यह होती है कि इन लिक्विड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैव इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी. दोज मॉलिक्यूल विच हैव वेक्टर काइनेटिक एनर्जी दे कैन एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस और लिक्विड में जो भी इसके बांड हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ब्रेकअप हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसकी इनफ एनर्जी उसको मिल जाती है और इसके नतीजे में उसके वेपर बन जाते हैं. अब अगर हम इसकी हीट करें एनर्जी और भी बढ़ाए तो इसके बाद भी जो है वो वेपर ज्यादा बनना शुरू हो जाता है. और हमने देखा है कि हम कोई गर्म जो चीज हो दूध हो चाय हो जब हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए वो इसलिए कि वो ठंडी हो जाती है. तो किस तरह ठंडी हो जाती है कि इसके जो अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल हैं वो मुझे वेपर बन जाते हैं एंड द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी एंड दिस पे टेंपरेचर डिक्रीज और वो लिक्विड जो है वो क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है. इसलिए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि इस ऑपरेशन का कोई प्रॉब्लम है यस द ऑपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस because in operation the high kinetic energy molecules rises and the low kinetic energy molecules remain in the liquid which will decrease the temperature and hence the operation is a cooling process. So whenever temperature increases the operation increases. When temperature decreases evaporation also decreases. Means the operation is related to the temperature and operation is directly related to temperature. When temperature increases, evaporation increases. When temperature decreases, evaporation decreases. So, this question asks the right note on the operation of vaporization. But this is related to the short question which is going to be asked like this is the operation of the cooling process. So, ये एक टॉपिक है शार्ट टॉपिक है और इससे रिलेटेड
जो दूसरा टॉपिक है वह फर्स्ट क्वेश्चन